हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन हिस्ट्री फॉक्स चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक एज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैलोलिथिक एज, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्री हिस्ट्री, हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री क्या है, हमने डिस्कस किया था प्री हिस्ट्री मतलब यहाँ पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। तो उसकी जो एग्जाम्पल जो है दैट इज स्टोन एजिस, और स्टोन एज को हमने फर्दर डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। पैलोलिथिक एज मतलब दैट इज ओल्ड स्टोन एज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुरापाषाण युग। मेसोलिथिक एज मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग, एंड न्यूलिथिक एज नव पाषाण युग। आज हम डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का मतलब है मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज का मतलब है मिडल स्टोन एज। मेसोलिथिक एज, अगेन मेसोलिथिक एज के रिलेटेड बड़े सारे जो स्कॉलर्स हैं, बड़े सारे जो हिस्टोरियंस हैं, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है मेसोलिथिक एज का, इस पर बड़ी सारी अलग अलग स्कॉलर्स के अपने अपने मत हैं। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड मत ये है कि मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 9000 से लेके 4000 BCE से जो है मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है। अगर हम कंपैरिजन करें यूरोप के साथ, अगर हम कंपैरिजन करें वेस्ट एशिया के साथ, अगर हम कंपैरिजन करें अफ्रीका के साथ, तो ये आगे पीछे का टाइम पीरियड है। मेसोलिथिक एज का मतलब ये है दैट इज मिडिल स्टोन एज। मेसोलिथिक एज का मतलब है कि अब जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस किस में हो रहे हैं? चेंजेस आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं। चेंजेस किस में हो रहे हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ, जिसकी वजह से जो है ह्यूमन एवोल्यूशन जो है उसमें भी असर पड़ा। ह्यूमन एवोल्यूशन का मतलब ये है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, हमने प्री हिस्ट्री के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो प्लेस्टोसीन एज जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग चलती है किसके? पैलोलिथिक एज के। हमने डिस्कस किया था कि होमो इरेक्टस जो है उसका अराइवल होता है एट द एंड ऑफ द पैलोलिथिक एज, लेकिन यहाँ पे जो है मेसोलिथिक एज जो है वो कॉरेस्पॉन्ड किसके साथ करती है? दैट इज द लास्ट जियोलॉजिकल एज ऑफ अर्थ, जिसको हम बोलते हैं होलोसीन। दैट इज होलोसीन पीरियड जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो किसके साथ जो है रिजेंबल करता है, वो किसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग चलता है? दैट इज मेसोलिथिक एज में। इसी के साथ साथ जो है ह्यूमन आपका जो होमो इरेक्टस है उसके बाद में भी एवोल्यूशन होता है और हमारा यहाँ पे होमो सेपियंस का अराइवल होता है। अब जिसकी वजह से जब होलोसीन टाइम पीरियड आया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर जो है, अर्थ का टेम्परेचर जो है उसमें राइज होता है। अर्थ का टेम्परेचर राइज होने की वजह से रेनफॉल जो है उसमें भी राइज होता है, जिसकी वजह से देर वॉज ऑल्सो चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना कंडीशन में भी जो है चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक टाइम पीरियड में भी चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से जो है नई नई टाइप की वेजिटेशन आती है, नई नई टाइप के जो है आपका जो है फ्लोरल एंड फौनन किंगडम्स आती हैं, जिसकी वजह से जो है जो यहाँ का जो इंसान है उसने अपना जो है सेटअप जो है उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको अपने आप को चेंज कर दिया। मतलब जो पैलोलिथिक एज का जो इंसान था वहाँ पे क्या था कि बड़े बड़े जानवरों की हंटिंग की जाती थी। हंटिंग यहाँ पे भी है, वहाँ पे बड़े बड़े जानवरों को जो है वो शिकार किया जाता था। लेकिन अब मेसोलिथिक टाइम पीरियड का जो इंसान जो है उसने जो है हंटिंग जो है फ्रॉम बिग एनिमल से लेके बिग एनिमल से ट्रांसफर हुई और स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग स्टार्ट हो गई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज। आपका नो डाउट हंटिंग जो है इट वॉज कंटिन्यू, हंटिंग जो है वो कंटिन्यू थी नो डाउट। आपका यहाँ पे फूड गैदरर, मैन वॉज स्टिल अ फूड गैदरर, यहाँ पे जो है वो फूड गैदरर है, स्टिल ही वॉज अ हंटर, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है उसने नया स्टार्ट किया, दैट इज फिशिंग स्टार्ट की, बर्ड्स को हिट करना जो है उसने स्टार्ट किया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है वो हिस्टोरिक है। मेसोलिथिक एज जो है वो हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो उसकी जो लाइफ है, जो उसका जो इनिशियली जो टाइम पीरियड है वो ही वॉज अ नोमैड, नोमैड था वो। कहने का मतलब यह है उसकी जो लाइफ है वो बंजारे की तरह थी, लेकिन यहाँ पे जो है जो उसका नोमैडिज्म है, नोमैडिज्म से जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है और उसकी लाइफ जो है सेडेंट्री लाइफ की तरफ आता है। ऑल्दो फुल तरीके से सेटल नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे सिस्टम यहाँ पे वैसा आ रहा है। न्यूलिथिक टाइम पीरियड में, मेसोलिथिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, उसने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट किया। ऑल्दो एग्रीकल्चर जो है प्रेजेंट टाइम पीरियड के एग्रीकल्चर के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे जो है प्रोटो एग्रीकल्चर प्रोसेस वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज।
मिजोलिथिक एज में ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। मिजोलिथिक एज 9000 से 4000, मिजोलिथिक एज अर्थ का सिस्टम जो है, अर्थ की जो कंडीशनिंग जो है वो चेंज होती है। मिजोलिथिक टाइम पीरियड में क्या है, हंटिंग जो है इट वॉज कंटिन्यू, फूड गैदरिंग वॉज स्टिल कंटिन्यू, फिशिंग स्टार्ट हो गई, बर्ड्स को हिट करना स्टार्ट कर दिया। एंड न्यूलिथिक टाइम पीरियड में क्या हुआ, उसने जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट किया। ये हमें सारे रेफरेंस मिलते हैं, हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, और जो सबसे पहला जानवर जो है जिसको डोमेस्टिकेट किया गया दैट वॉज डॉग, डॉग डोमेस्टिकेट किया। ओके, सो मिजोलिथिक जो फेज जो है, मिजोलिथिक फेज को ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। मिजोलिथिक फेज को द फेज बिटवीन पैलोलिथिक एंड न्यूलिथिक, बड़े सारे हिस्टोरियंस ने मिजोलिथिक एज को बड़े बाद में जो है डिस्कशन में लाया। पहले सिर्फ दो ही फेसेस जो है उसको हम डिस्कस करते थे, दैट इज पैलोलिथिक एज और दैट इज न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक और पैलोलिथिक एज को जो है हम डिस्कस करते हैं। अगर हम मिजोलिथिक एज को दोबारा से, अगर हम मेजोलिथिक एज के अगर मैं फीचर डिस्कस करूं, मिजोलिथिक एज फ्रॉम 9000 से लेके 4000 BC तक, मिजोलिथिक एज दैट इज आल्सो नोन एज मिडल स्टोन एज, मिजोलिथिक एज दैट इज मिडल स्टोन एज। मिजोलिथिक टाइम पीरियड इट इज नोन फॉर स्मॉल टूल्स के लिए जाना जाता है। ये स्मॉल टूल्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ बोलते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पैलोलिथिक एज जो है, पैलोलिथिक एज में जो है टूल्स कौन कौन से थे, हैंड एक्स था। पैलोलिथिक एज में कौन कौन से थे, चॉपर्स थे, क्लीवर्स थे, चॉपिंग टूल्स थे, ब्लेड्स थे, बरियंस थे, ये सारे थे। अब यहाँ पे नए टूल्स आए, ये टूल्स भी साथ में चले। माइक्रोलिथ टूल्स में जो है, माइक्रोलिथ वो टूल्स थे जिनका जो साइज है फ्रॉम 1 cm to 8 cm, कई बुक्स में 1 to 6 cm में लिखा हुआ है। देन माइक्रोलिथ में क्या आते हैं, स्पेसिफिक करके क्या थे, दैट इज ब्लेड्स, बायफेशियल ब्लेड्स। अब इसमें और क्या आते थे, पॉइंटर्स आते थे, और इनकी जो शेप जो है वो क्या है, वो ज्योमेट्रिक शेप है। ज्योमेट्रिक शेप मतलब ट्राइंगुलर है, ज्योमेट्रिक शेप मतलब सर्कुलर है, ज्योमेट्रिक शेप मतलब स्क्वेयर हैं, मतलब ट्रेपीजियम टाइप के भी यहाँ पे हमें टूल्स मिलते हैं मिजोलिथिक एज में। इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज स्टार्टेड, पहला जानवर जो है दैट इज डॉग, इसमें क्या हुआ, नोमेडिज्म से जो है शिफ्ट किया, नोमेडिज्म टू सेडेंट्री लाइफ। इसमें क्या हुआ, प्रोटोटाइप ऑफ एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड, प्रोटोटाइप एग्रीकल्चर जो है इसने स्टार्ट की यहाँ पे। और यहाँ पे हमें एक बड़ी सारी जो साइट से हम डिस्कस करेंगे जिसमें ये पता चलता है हमें, ये बरियल सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इंटेंशनल बरियल, मतलब दफनाया गया। तो जिसकी वजह से जो है इसका थोड़ा थोड़ा अब इंसान का क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रही है मिजोलिथिक एज में। मिजोलिथिक एज जो है इट इज हिस्टोरिक, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिजोलिथिक एज का, ही वॉज द मिजोलिथिक मैन वॉज द लवर ऑफ आर्ट, आर्ट का लवर था। ये हमें कहाँ से रेफरेंस मिलते हैं, हमें केव पेंटिंग के रेफरेंस मिलते हैं। केव पेंटिंग के रेफरेंस हमें मिलते हैं बिम्बिटका, आदमगढ़, फिरोजपुर, ये सारी जगह से हमें रेफरेंस मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिजोलिथिक एज, दैट इज द साइट्स ऑफ मिजोलिथिक एज। मिजोलिथिक एज की साइट्स कौन कौन सी हैं, सो अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ मिजोलिथिक एज। मिजोलिथिक एज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट जो है दैट वॉज इन राजस्थान, दैट इज बागोर। बागोर से हमें रेफरेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और बागोर से ही हमें रेफरेंस मिलते हैं बरियल सिस्टम के। बागोर जो है इट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ मिजोलिथिक इन इंडिया। बागोर के साथ जो है राजस्थान में वन मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट इज तिलवाड़ा। अगेन तिलवाड़ा में जो है डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं। डिफरेंट कल्चर का ये मतलब है किसी फेस में हमें डोमेस्टिकेशन मिलता है और किसी फेस में हमें स्मॉल टूल्स मिलते हैं, माइक्रोलिथ्स मिलते हैं।
देन गुजरात, अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट ऑफ गुजरात इज लंगनाज. लंगनाज जो है, अगेन इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट इन गुजरात. लंगनाज से हमें रेफरेंस मिलते हैं, दैट इज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, दैट इज माइक्रोलिथ्स, इसके रेफरेंस मिलते हैं. देन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वी हैव कपल ऑफ साइट्स, दैट इज सराय नहर एंड मोराना पहर. सराय नहर एंड मोराना पहर आर द इम्पोर्टेंट साइट इन उत्तर प्रदेश. मध्य प्रदेश अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज भीमबेटका. भीमबेटका जो है, इट इज नोन फॉर द केव आर्ट. देन आदमगढ़, अगेन आदमगढ़ केव पेंटिंग्स हमें रेफरेंस मिलता है भीमबेटका और आदमगढ़ से. देन इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया का मैं यहाँ पे लिखूंगा, साउथ इंडिया का कर्नाटका, दैट इज संगनकल्लू. संगनकल्लू इन कर्नाटका. देन आंध्र प्रदेश, रेणुगुंटा एंड अनदर इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, दैट इज कुरनूल केव्स. एट द सेम टाइम वी गॉट द रेफरेंसेस ऑफ मिजोलिथिक एज इन ओडिशा, इन द डेल्टिक रीजन ऑफ ओडिशा, इन झारखंड एंड इन द मेघालय प्लेटू. मेघालय प्लेटू से भी हमें मिजोलिथिक टाइम पीरियड के जो है रेफरेंसेस मिलते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिजोलिथिक एज, दैट इज द केव आर्ट. जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, केव आर्ट पेंटिंग जो है, इट इज द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ आर्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इट कम फ्रॉम भीमबेटका केव्स. भीमबेटका केव में जो है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, वहाँ पे जो केव पेंट आर्ट वो दर्शाता क्या है, वो दिखाता क्या है, वो सोशल यूनियन बताता है, अर्ली सोशल यूनियन. इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हंटिंग ऑफ एनिमल्स. देन इट आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट टाइम ऑफ मिजोलिथिक एज. पास्ट टाइम में क्या करते थे, टाइम पास करने के लिए क्या करते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मिजोलिथिक एज. लेट अस रिवाइज द मिडल मिजोलिथिक एज. मिजोलिथिक एज मतलब मिडिल स्टोन एज. मिजोलिथिक एज मतलब द ट्रांजिशन बिटवीन पैलोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज. मिजोलिथिक एज मतलब यहाँ पे नोमैडिज्म से सेडेंटरी लाइफ आई. मिजोलिथिक एज मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ. मिजोलिथिक एज मतलब एग्रीकल्चर का थोड़ा सा स्टार्ट हुआ. मिजोलिथिक का मतलब यह है, होलोसीन के टाइम पीरियड के साथ स्टार्ट करता है, ये उसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंग करता है. मिजोलिथिक एज का मतलब ये है कि यहाँ पे इंसान जो है होमो सैपियंस बनने की राह पे है. एंड द इम्पॉर्टेंट साइट इज बागोर, दैट इज तिलवाड़ा, लंगनाज, भीमबेटका, आदमगढ़, सराय नहर, मोराना पहर, संगनकल्लू, रेणुगुंटा, कुरनूल एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया. दिस इज ऑल अबाउट द मिजोलिथिक एज. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूलिथिक एज, दैट इज नवपाषाण युग, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंसान जो है नवपाषाण युग को न्यूलिथिक एज रेवोल्यूशन भी क्यों बोला जाता है. आज हम इतना ही करेंगे. आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको अगर किसी भी टाइप का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे जो है बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिस्ट्री फॉक्स. थैंक यू सो मच. जय हिंद.